हसमुख कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ पूनम कौशिक हैं और कश्मीर में 51 दिन बाद क्या हालात हैं ये उन लोगों से जानते हैं जो कश्मीर से होके आए हैं। पूनम कौशिक हैं, 5 महिलाओं की एक टीम गई थी, उन्होंने कश्मीर का आंखों देखा बयान किया है आज प्रेस क्लब में, एक रिपोर्ट जारी की है। आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे और खुद उनसे सुनते हैं कुछ ऐसे सवाल जो एक भारतीय के तौर पे और जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एक नया तरीका ईजाद किया गया है 370 के बहाने, और जिसमें SC ST OBC के लोगों को भी और जो रिलीजियस माइनॉरिटी उनको भी लगता है कि 370 से देश का फायदा है, लेकिन कश्मीर में लोगों के साथ क्या हो रहा है और क्या आपके घर में अगर ऐसा होने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। पूनम जी, मैं स्वागत जैसा टर्मिनोलॉजी तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप लोग 17 से 21 तक रही कश्मीर में, मतलब कितने लोगों से मिली होंगी अमूमन, क्योंकि नाम आप नहीं बताना चाहेंगी, कितने लोगों से मुलाकात हुई होगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि अलग अलग जिलों के अंदर हम गए, बाजारों से हम गुजरे, हमने छात्रों से बात करी, हमने अध्यापकों से बात करी, हमने डॉक्टर से बात करी, मेडिकल प्रोफेशनल से बात करी, हमने मरीजों और उनके रिश्तेदारों से बात करी, मेरे एकदम छोटे छोटे सवाल, माओं से बात करी, आम महिलाओं से, मतलब अप्रोक्स कितने महिलाओं से बात हुई है? हमने तकरीबन सोइयों महिलाओं से बात करी। अच्छा, अपना अनुभव बताइए, लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जा रहे हैं उनको भगा दिया जा रहा है, आप लोग गई तो आप लोग के लिए खुद कश्मीर में जाना कितना मुश्किल था और क्या क्या फेस करना पड़ा? देखिए, हमें मुश्किलों का जहां तक बात है, मुश्किलें फेस करनी ही पड़ी, परंतु फिर भी हम पहुंचे, क्योंकि हमने तय किया था कि राजधानी दिल्ली के महिला संगठन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कश्मीरी महिलाओं का हाल समझ के आना, देख के आना। डर लगा कुछ ऐसे मौके आए जब लगा कि अब कार्यकर्ता है तो मैं कहूंगी कि ये हमारी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी के सामने सारे डर और सब चीजों को हमें पीछे छोड़ना था और हमने छोड़ा और हम गए वहां पर, हमने औरतों से बात करी और मैं समझती हूँ कि जो दर्द हमने महसूस किया। थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं मैम, थोड़ा सा बताइए जो गृह मंत्री की जो नॉर्मालिसी है और जो तमाम लोग जो कश्मीर का दर्द नहीं जानते, जिन्होंने एक पुलिस चौकी में 2 दिन में जिनकी हवा निकल जाती है, उसकी नॉर्मालिसी और आपने जो आंखों देखा, आंखों से देखा, उसमें क्या आपने क्या देखा? एक माँ जिसका बेटा 10 मिनट के लिए भी उसको बगैर बताए चला जाता है, उसका फोन अगर स्विच ऑफ जाता है तो माँ कितनी बार फोन कर लेती है, ये राजधानी दिल्ली की माओं की स्थिति है, देश के बाकी किसी हिस्से में भी यही स्थिति है, मगर कश्मीर की औरत जब अपने बच्चे को बाहर भेजती है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि वो फिर से अपने उस बच्चे को देखेगी या नहीं। वो 14 साल का बच्चा, वो नौजवान बच्चा जो उसकी आंख के सामने जा रहा होता है और उस माँ को ये विश्वास ही नहीं होता कि वो वापस आएगा या नहीं, ये दर्द हमने महसूस किया। हमें कश्मीर की माओं ने बताया कि हमारी नींदें खत्म हो गई है, हमें रात को हर समय घबराहट रहती है। उन माओं ने हमें बताया कि जैसे ही दरवाजे पे खटखटाहट होती है तो हमें डर लगता है कि अब क्या होगा। उन माओं ने बताया कि घर के अंदर हमें तय करना पड़ता है कि सबसे बुजुर्ग आदमी को हमें बाहर भेजना है आर्मी को देखने के लिए, ताकि उस बुजुर्ग को कम थप्पड़ पड़े बजाय एक नौजवान, मतलब दरवाजा नॉक होता है और थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाता है। जूते लात घूसे, गाली, फोन छीनना, और हमें कितनी माएं ऐसी मिली जिनके बच्चों को जब लेके जाया जाता है तो पुलिस और आर्मी मिलकर के उन माओं से 10,000, 20,000, 60,000 ये डिमांड की जाती है। ये एक एक्सटॉर्शनिस्ट फोर्स बन के काम कर रही है, हमने ये चीज महसूस करी कश्मीर। महिलाओं पैसे ले रही है, पैसे बच्चों को छोड़ने के लिए, पैसे बिल्कुल बच्चों को छोड़ने के लिए पैसे लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी, पुलिस और आर्मी दोनों, पुलिस के माध्यम से आर्मी पैसे लेते हैं। मैं बहुत गंभीर आरोप है, आप मैं भी वकील हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ।
ये होता है, ये किया जाता है, हमें माँ बाप मिले 10,000-20,000 उधार ले लेकर के, कि माएं उधार ले लेकर के परिवार जो है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार का फोन वो छोड़ देते हैं। कश्मीर पुलिस या इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस, दोनों की स्थिति ये है। डीएसपी एसपी एक्सटॉर्शन करते हैं। मैम एज ए वुमेन महिलाओं की असमत इस तरह की भी वो की अनसिक्योर तो फील कर ही रही हैं, क्या उनको मतलब अपने वो रेप या इस तरह के डर? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, हम कई सारे जिलों के अंदर जब हम गलियों में से गुजरे, हमें औरतें मिली, हमने उनसे पूछा, और ये वो हैं मध्यम वर्गीय औरतें, मतलब चार मिडिल क्लास जैसे 35-40 साल की उम्र की, अच्छा, मिडिल एज्ड महिलाएं मिली। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, हमें बताया जा रहा है कि सब चीज़ें नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते, हमें बागों में जाने में डर लगता है। हमने पूछा किससे डर लगता है, उन्होंने कहा आर्मी से डर लगता है। बिल्कुल कैटागोरिकली उन्होंने नाम लेकर के बताया है कि इंडियन आर्मी लड़कियों के साथ बदसलूकी करती है, ये उन्होंने बार बार हमको बताया। केवल कितने लोग थे ऐसे अनुभव वाले, कितने लोगों से बातचीत? ऐसे अनुभव वाले, देखिए हम उस परिवार से मिले, हम जो पोशपोरा की आसियान और नीलोफर का जो केस हुआ था, उनकी जो हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार से हम मिले। उस परिवार के अनुभव नहीं, आफ्टर 370 के रिवोक होने के बाद भी इस तरह के हालात? देखिए सवाल ये है कि मैं पहले के बारे में नहीं बात कर रहा, पहले के हालात अब और ज्यादा बुरे तरीके से सामने आ रहे हैं। लोग केवल 370 जो अभी पिछले 45 दिनों में जो उनका अनुभव है। घर में आप लोग घर में भी गई होंगी, चूंकि आप वुमेन्स थी, एग्जिस्ट हो, आपका एग्जिट था, क्या राशन पानी खाना पीना ये सब हालात बहुत बदतर हो गए, क्योंकि 51 दिन में, ये ऑब्वियस सवाल है, 51 दिन में बुरा हो गया होगा, लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी देखिए कश्मीरी की ये हमें वहाँ जाकर के हमने भी ये सवाल महिलाओं से पूछा, तो उन्होंने कहा सभी सेक्शंस ने हमें ये बताया कि असल में ये कश्मीरी संस्कृति है कि वो कई महीनों का राशन अपने पास स्टोर करके रखते हैं। चावल, कम से कम चावल और दाल वो अच्छे से स्टोर कर लेते हैं ताकि बुरे स्थिति जब भी आए। ये असल में ये दिखाती है कि कश्मीर के अंदर किस तरीके का मतलब किन हालातों से कश्मीरी जनता गुजरती रही है कि कई कई महीनों को हमसे उन्होंने आज 45 दिन हो गए हैं हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, हमारे पास फोन नहीं है, हमारे को ये कहा जा रहा है कि आप कैसे सरवाइव करोगे, तो हमारी ये संस्कृति है कि हम कई कई दिनों का राशन अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं सरवाइव कर पाता अगर 15 दिन की भी इमरजेंसी लगा दी जाए। 15 दिन की उन्होंने हमसे पूछा, मतलब हमारे पास एक्चुअली कोई जवाब नहीं था कि अगर 5 दिन आपका जो है 5 मिनट आपका इंटरनेट बंद हो जाए आप चल पाओगे, हल्ला मच जाएगा दिल्ली के अंदर। उन बच्चों ने हमसे पूछा, 23-23 साल के बच्चों ने हमसे पूछा कि 5 मिनट अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें बंद है, हमारे सेब के बागानों पे से हम सेब नहीं उतार पा रहे, हमारी इकोनॉमी, हमें वकीलों ने बताया कि फ्रूट मंडी बंद है, सारा काम बंद है, ट्रेड बंद है, हमारी इकोनॉमी शटर हो रही है। अगर देश के किसी और हिस्से में ऐसा हुआ होता क्या वो सर्वाइव कर लेता, हमसे ये सवाल पूछा। कश्मीरी ब्राह्मण पर भी आएंगे मैम, एक छोटा सा सवाल और है कि जिस तरह के आप हालात बयां कर रही हैं, चूंकि आपने 5 दिन गुजारा है, 5 दिन कम समय नहीं होता है, लंबा समय होता है, आप महिलाएं थी, आपने महिलाओं से बात किया होगा, युवाओं को लेकर आप लोग बता रही थी कुछ खास नफरत भरे माहौल है और उनके साथ बहुत बदतमीजी हो रही है। जी हम यही बताना चाह रहे हैं कि मतलब हमारी बहुत सारे लड़कों से बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि कितने ही लड़के ऐसे हैं जिनको इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया है, इतनी बुरी तरह उनकी पिटाई की गई है, और केवल मसला ये नहीं है कि उनकी पिटाई की गई है, हमें ऐसे भी बहुत सारे लड़के मिले, बहुत सारे लोग हमें मिले जिन्होंने पत्रकारों को उस घर तक पहुंचाया जिस घर में इस तरह के मारपीट के जो नौजवान है वो तो है, उसमें आप तो लोग उनको पुलिस ने तंग किया, फिर बाद में उनको तंग किया। आप लोग के सामने कैसी हुई, आप लोग के सामने क्या रवैया था, जो आर्मी वाले थे वो शरीफ दिखने की कोशिश कर रहे थे? नहीं हमने तो आपके सामने अनुभव बताया ना अभी, अच्छा शायद आपको नहीं बताया, उनको बताया। हमारे सामने आर्मी का स्थिति ये था, पहली बात तो ये
कि हम अक्सर इस चीज को सिर्फ पढ़ते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि हर 100-150 मीटर के ऊपर आर्मी के जवान खड़े हुए, उनके पास पैलेट भी है, उनके पास गन भी है, वो दो 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 खड़े हुए। दूसरी जो हमें पता लगी कि हम एक जगह पर बुलर लेक, वो एक लेक है जो कि बहुत सुंदर लेक है, जो कि जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल खतरा सरकार की नीतियों के चलते होने जा रहा है। तो वो सारी चीज को समझने के लिए हम जब रुके, आर्मी की एक गाड़ी आती है, 5-6 आर्मी के जवान उसके अंदर है। उन्होंने हमसे बड़े बेरुखी से पूछा, कौन हो, क्यों खड़े हुए यहाँ पे, बिल्कुल इसी अंदाज में। तो मेरे को आगे आके बताना पड़ा कि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट से, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, दिल्ली में यहाँ पर क्यों रहते हो, ये सब सवाल हमसे पूछा गया। ये कोई बदतमीजी भी हुई, बदसलूकी हुई, इस तरह की बेरुखी। और हमें तो ये नहीं समझ में आया, हमसे हम नागरिक है, भारत का संविधान। तो आपने कहा नहीं कि अब तो भारत और कश्मीर सब एक हो गया, सबको क्या बहस करते, हम उनसे क्या बहस करते, बातचीत के लिए स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। और मतलब ये उनके इस रवैये से हम ये महसूस कर सकते थे, हमने ये महसूस किया कि जब जो कश्मीर के अंदर कश्मीर के निवासियों के साथ वो फौज जो कि कश्मीरी नहीं है, वो बार बार उनकी पहचान करती होगी। तो देखिए, ये पूनम कौशिक है, कोई मुसलमान नहीं है। इस देश में जाति बड़ी चीज है, मजहब बड़ी चीज है, इसलिए मैंने जानबूझ के पूनम कौशिक जी को चुना है कि बात करें ताकि आपको बातों तक जाए। और जिसको नॉर्मलसी कहा जा रहा है, एक मिनट मैम, एक सवाल और बचा हुआ है मैम। पूरे देश में चूंकि जो जो सवर्ण समाज है, जो खासकर ब्राह्मण समाज है, उनके पास मीडिया है, टूल है, अखबार है, कश्मीरी पंडित की बात हमेशा कही जाती है, क्या आप लोगों ने कोशिश की जो कश्मीर के में पंडित बचे हुए हैं, ब्राह्मण्स बचे हुए हैं, क्या उनको सरकार इस मुसीबतों से वो भी झेल रहे हैं, या उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको सहूलियतें प्रदान की जा रही है? देखिए, हम जब अलग अलग इलाकों में गए तो एक इलाका वो भी था जहाँ पर 1990 के दौर में जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए थे, हमने ये देखा कि वो घर ऐसे के ऐसे हैं, जैसे के तैसे बने, जैसे के तैसे हैं, वो बड़े हुए हैं। सिर्फ एक खास बात जो हमने नोट करी कि उन घरों के अंदर लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां नहीं है। हमने पता किया कि वो कहाँ गए, तो पता लगा कि जब सर्दियां होती हैं तो आर्मी के कैंपों में उनको निकाल के जला करके अपने आप को गर्म रखा जाता है। आर्मी के लोग ले जाते हैं, हमें ये जानकारी मिली। अब इस चीज को और कंफर्म करने का, एक दो चार पांच ऐसे किसी कश्मीरी ब्राह्मण से बात नहीं है, हमारी सिख फैमिली से बात हुई थी। उनका क्या रिस्पांस था? उनका कहना ये था कि धारा 370 हटने से कश्मीरी पहचान खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने बताया। और दूसरी बात उन्होंने हमको कहा कि पूरे कश्मीर के अंदर हम टीवी के अंदर जब देखते हैं कि एक एक साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कश्मीर के अंदर किसी सिविलियन द्वारा महिलाओं के ऊपर इस तरह का यौन हिंसा सामने नहीं आती है, कश्मीर की संस्कृति नहीं है। एक बुजुर्ग महिला जो 70 साल की थी, उन्होंने कहा कि कश्मीर में महिलाओं की ये सुरक्षा का जो ये वाला पहलू है, इसको ध्यान रखते हुए, और कश्मीर में कश्मीरियत की जो एक एकता है, वो न जम्मू में थी, न चंडीगढ़ में थी, और वो जम्मू और चंडीगढ़ में सेटल होने की बजाय उन्होंने कश्मीर घाटी में सेटल होना उसे समझा। ये 70 साल की मैं एक आखिरी सवाल, जो नॉर्मलिसी है सरकार की नजरों में, उसको आप कैसे बयां कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि अगर कश्मीर में इस वक्त जो कुछ है अगर वो नॉर्मलिसी है, तो सारे देश में ऐसी नॉर्मलिसी लाई जाए, सारे देश में लाई जाए और नॉर्मलिसी लाई जाए, भारत मजबूत हो जाएगा। जबकि न इंटरनेट चलेगा, न फोन चलेगा, न यातायात के साधन चलेंगे, न स्कूल चलेगा, न व्यापार चलेगा, न लोगों को आने जाने की कोई सहूलियत। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। पूनम कौशिक थी और ये कश्मीर से आई हैं 5 दिन रह के इसी प्रेस क्लब में। वो तमाम लोग आपसे बातें कह रहे हैं जो कश्मीर जाते भी नहीं है। मेरी कोशिश थी कि जो लोग कश्मीर से आए हैं उनसे जाना जाए कि हालत क्या है। कभी कल्पना कीजिएगा पुलिस थाने में जाने आने के बाद आपकी क्या हालत होती है, और जिन लोगों के सामने घरों के सामने फौज खड़ी कर दी गई है, कम से कम डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो ये सही नहीं है, जायज नहीं है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।